टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो है 1262, 467 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं और दौड़ में जो है कुल 69 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। अभी बाकी प्रोसेस चलेगा। हाँ सर, मैंने सब कुछ में मैंने क्वालिफाई हो गए दौड़ लॉन्ग जंप हाई जंप सब जी। बिहार में 2009 और 2011 की होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी। हालांकि बहाली की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। दोनों ही सालों की एक ही साथ ही बहाली ली जा रही है। जहानाबाद में शुक्रवार को बहाली शुरू हुई है। आज बहाली का चौथा दिन था। जिले में 229 पदों के लिए फिलहाल शारीरिक जांच परीक्षा चल रही है। परीक्षा के चौथे दिन मेधा सूची में 69 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। शहर के एरोड्रामा स्टेडियम में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में 12,062 अभ्यर्थियों को पहुंचना था। हालांकि इनमें से केवल 467 अभ्यर्थी ही दौड़ में शामिल हुए। वो आज बहाली का तिथि था जिसमें कि टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो है 1262, 467 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और दौड़ में जो है कुल 69 अभ्यर्थी जो है सफल। अभी बाकी प्रोसेस चलेगा। कब तक चलेगी बहाली की प्रक्रिया? 25 तक हमने डेट दिया है, 23 तक हमारी बहाली है, बाकी 24 और 25 जो है आरक्षित दिन है। अगर हमारा काम बच जाता है वो किया जाएगा। उधर सालों इंतजार करने के बाद भी अभ्यर्थियों ने हिम्मत नहीं हारने दिया, जिसका फल भी आज मिल रहा है। होमगार्ड की बहाली निकालने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि 11 साल बाद बहाली हो रही है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस की वजह से उन्हें सफलता मिल ही गई। जी, हम लोग गिर अच्छा के बहाली में आए थे और हम लोग दौड़ लगाए। अच्छा, तो क्या हुआ? मैंने क्वालिफाई किए। कब फॉर्म भरे थे आप लोग? जी, 2011 में कॉल किए थे। अच्छा, तो फिर कितना साल बाद ही बहाली हो रहा है? जी, लमसम 11 बरस से अधिक हो गया। अच्छा, तो इसकी तैयारी कर रखे थे? जी, हम तो सर 11 से ही दौड़ लगा रहे थे। 2011 से लगा रहे थे? जी। अच्छा, तो आज क्या हुआ दौड़ में? आज सर मैंने सब कुछ में मैंने क्वालिफाई हो गए दौड़ लॉन्ग जंप हाई जंप सब। जी। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? जी, हम आए हैं, मेरा गांव का नाम लखावर हुआ। अच्छा, तो कब फॉर्म भरे थे? जी, 2011। तो उस समय क्या उम्र थी आपकी? उस समय उम्र सर लमसम 24 से पार था। अच्छा, तो अभी कितना हो रहा? अभी 35 बरस, आज 11 दिन हो गया। अच्छा, तो इसके लिए तैयारी लगातार कर रहे थे? जी, मैं तो तैयारी लगातार कर रहा हूँ। बताते चले कि वर्ष 2011 के जून माह में होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन निकला। होमगार्ड बनाने के लिए 12,044 अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन दिया, जिसे लेकर जिले में होमगार्ड के 229 पदों पर बहाली होनी है। शुक्रवार से शुरू हुई बहाली प्रक्रिया यह 25 जुलाई तक चलेगी। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।